Initially, we will see three or four programs. Like out of these 10 programs, we will see three or four. And then we will see one task sheet. And then we'll wind up. So let's start with each program one by one. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So about this program is, write a program to find out the sum of series, 1 plus 2 plus like this. So we have to write down a program that will print sum of series. See, I just want to write down this heading, so I will put it in the comment box, in the comment, so that this won't be executed. So if you are writing hash with some space, so it is going to be shifted, it will be treated as a comment. It's our 11th session. And in 11th session, we are going with these programs. So करना क्या है हमें एक प्रोग्राम लिखना है to find out the sum of series 1 plus 2 plus something something something. तो ये सीरीज आनी चाहिए. तो कैसे करेंगे, हमें पहले तो मालूम होना चाहिए कि 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus कहां तक लेके जाने का है हमें. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 सपोज इतना ही हमें प्रिंट करना है, इसका ही आउटपुट चाहिए. तो क्या आता है वो 6. तो हमारा इस केस में n क्या हो जाएगा, 3. ठीक है, अगर मुझे ये प्रिंट करवाना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. So 5 plus 4, 9 plus 3, 12 plus 2, 14 plus 1, 15. So output is 15. तो मेरे लिए इस केस में n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो कहने का मतलब आपको कहां तक लेके जाना है, आपकी सीरीज को कहां तक का सम प्रिंट करवाना है, उसके लिए पहले आपको n डिफाइन करना पड़ेगा. तो n कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, so I will write like n is equal to int input enter the last number of the series. It's space, ठीक है, ये हो गया. अभी अभी मुझे क्या करना है, ये वर्क कैसे कर रहा है, तो पहले 1 फिर जो भी उसके बाद 2 उसमें सम हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फिर उसका जो 2 जो सम हो रहा है 3 होके बाद में ये इसमें सम जा रहा है, तो 3 प्लस 3 6. तो इस वजह से वो हो रहा है. तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा. अगर मैंने डिफाइन नहीं किया तो वो एरर देगा, क्योंकि मैं नीचे क्या करने वाला हूँ, ये सीरीज प्रिंट करने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10. तो ये उसमें ये n हो गया. तो जैसे कि पहले ये दो नंबर का प्रिंट होगा, उससे पहले क्या है 0, पहले 0 प्लस 1 होगा, तो ये सम हो जाता है हमारा. फिर बाद में ये सम इस नंबर में जाके जुड़ता है, ये उस टाइम में हमारा n ये रह जो भी है. तो ये फिर ये सम आगे इसमें जाता है, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लूप लेंगे फॉर एक्स इन रेंज 1, n+1. मतलब क्या हुआ,
for x in range 1 comma n plus 1. Why it is n plus 1? Can anybody tell me? तो बताएगा मुझे मैंने for x in range of n plus 1 क्यों लिया, n क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास जब सीरीज जो रहती है, सपोज मुझे 4 नंबर तक का सम चाहिए, 4 नंबर तक का सम चाहिए, 1 plus 2 plus 3 plus 4, सम क्या आता है? तो उस केस में जो भी सम आएगा, जो भी सम आएगा बाद में देखते हैं हम लोग. तो हमारा n तो 4 है, n क्या हो जाएगा? 4. तो why we are writing n plus 1? Anyone? X को सर वो 3 तक ही काउंट करेगा, मतलब 4 प्लस 1 तक क्यों लेंगे? नहीं होगा. एग्जैक्टली अगर मैंने यहां पे सपोज मुझे 4 तक प्रिंट करवाना है और यहां पे मैंने 4 लिया, तो बाय डिफॉल्ट ये जो सिंटैक्स क्या बोलता है कि 4 को मत लो, 4 को मत लो, 3 तक ही लो. तब वो यहीं तक का आपको लेता था वो ऐसा. अगर इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया n plus 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट नंबर हमारा 5 हो जाएगा. तब इसके अंदर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड 4 होगी, 5 नहीं होगी. इसी वजह से अगर मुझे ये प्रिंट करवाना है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, तो उस केस में मुझे अगर यहां तक प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे n plus 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये n हमारा 5 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तब जाके वो 5 तक ही लेगा वो. इसीलिए हम लोगों ने वहां पे n plus 1 लिया हुआ है. अभी नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है सम इज इक्वल टू सम प्लस x, प्रिंट सम. पहले चेक कर लेंगे सीरीज, सपोज 3 तक है, आउटपुट क्या आया? 6. मतलब हमारा n जो है वो 3 है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया? 3 प्लस 3 कितना आया? 6. अगर मैं वापस से इसको रन करूं और यहां पे 4 डाल दूं तो 10 आ जाता है. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा? 10. यस और नो? अब ये रन कैसे हो रहा है देखो, पहले बता तो रन कैसे हो रहा है, ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है. अगर मैंने, आप बोलोगे सर सम की वैल्यू 0 क्यों ली, तो अगर मैंने ये सम की वैल्यू नहीं ली होती, यहाँ पे सम नहीं लिया होता यहाँ पे, तो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे सम जो अंदर लिया हुआ है वो पहले डिफाइन करना पड़ेगा हमें. तो डिफाइन करने के लिए बेस्ट वे ये रहता है कि आप जब अगर कहीं अंदर मल्टीप्लिकेशन का कुछ यूज कर रहे हो यहाँ पे, अगर बीच में तब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 ले लो, क्योंकि 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. और अगर आप प्लस लिखा हुआ है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो बाय डिफॉल्ट सम की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती थी, यहाँ पे 1 ले लेते, क्योंकि 1 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली मुझे उसको डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे फिलहाल उसको समेशन के लिए जा रहे हैं, तो हमने सम इज इक्वल टू 0 ले लिया, पहली चीज, ठीक है. अभी देखो जब ये क्या होगा, ये या ये तो कमेंट में चला गया लाइन, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये वाली जो लाइन है एन इंट इनपुट इंटर द लास्ट नंबर, ये जैसे ही आएगा तो ना लास्ट नंबर एन की वैल्यू पूछेगा, ठीक है. तो सपोज आपने एन की वैल्यू डाल दी 3, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैंने, तो एन की वैल्यू 3 डाल दी. अभी सम इज इक्वल टू 0, ठीक है. इनिशियली सम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू 0 है. फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1 प्लस एन प्लस 1, तो यहाँ पे एन प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1, क्योंकि एन की वैल्यू 3 ली है हम लोगों ने जब एग्जीक्यूट हुआ. तो यहाँ पे 1 कॉमा 4 किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू. तो एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली क्या क्या हो गई? 1, 2, 3 हो गई. तो ये जो है पहले ये पूरा ये दोनों लाइन का जो लूप है यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका सम में. तो सम का जब ये एक्स का जो ये फॉर लूप कंप्लीट कब होगा? जब ये एक्स की तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, उसके बाद ही ये टर्मिनेट होगा फॉर लूप, उससे पहले टर्मिनेट होने वाला नहीं है. तो पहले एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अभी हम लोग फॉर लूप के अंदर गए हैं, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? पहले एक्स की वैल्यू 1 लेगा वो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आई. सम क्या है? सम 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 इनिशियली सम 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो क्या हो गया? सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1. अभी सम की नई वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. सम की नई वैल्यू क्या हो गई? 1, ठीक है. सम की नई वैल्यू क्या हो गई? 1.
अब क्या हो रहा है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, तो एक्स तो एक बार एक्स की नई वैल्यू वन हो गई, वन ले लिया, अभी वापस से फॉर लूप में जाएगा, फॉर इसमें एक्स की कोई और वैल्यू अवेलेबल है क्या, तो टू अवेलेबल है, तो यहाँ पे वो क्या पुट करेगा, टू, और जब वो टू पुट करेगा तो यहाँ पे सम क्या है हमारा, सम जो था वो वन हो गया था, तो यहाँ पे वन हो गया, तो अभी ये क्या है, सम इज इक्वल टू वन प्लस टू कितना हो जाता है, थ्री, थ्री हो गया, अभी नया सम की वैल्यू क्या हो गई, थ्री, अभी वापस से वो लूप में जाएगा फॉर लूप के लाइन में कि एक्स की कोई और वैल्यू बची हुई है, तो एक वैल्यू और बची हुई है, क्या बची हुई है, थ्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ गया थ्री, तो ये एक्स जो है यहाँ पे क्या आ गया, थ्री, और सम क्या था हमारा ऑलरेडी, सम यहाँ पे थ्री हो चुका है, सो थ्री प्लस थ्री इट इज सिक्स, तो सम इज इक्वल टू सिक्स, सम इज इक्वल टू सिक्स, तो इस वजह से जब आपने एन इज इक्वल टू थ्री पुट किया तो उसने एग्जैक्टली क्या किया, वन प्लस टू प्लस थ्री किया, तो ये सम के लिए आपको क्या मिलता है आउटपुट, तो वन प्लस टू थ्री हो गया, थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, सिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाद में क्या कर रहे हैं, अगर आप देखो तो मैं प्रिंट सम करवाया, प्रिंट सम कराया मतलब जब लास्ट में जो सम की वैल्यू क्या आई थी आपके, पहले में पहले स्टेप में जब एन की एक्स की वैल्यू वन थी तो सम की वैल्यू वन आई थी, बाद में सम की वैल्यू क्या आई थी, थ्री आई थी, और फिर लास्ट में क्या है सम की वैल्यू सिक्स आया, तो फाइनली जब एक्स इज इक्वल टू थ्री वाला वैल्यू ले लिया हम लोगों ने, एक्स इक्वल टू थ्री की, उसके बाद वापस से वो लूप में जाएगा, वो लूप में एक्स इक्वल टू फोर है ही नहीं, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, और जो भी सम की वैल्यू लास्ट वैल्यू होगी वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवा दी है, ठीक है, वापस से एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, देखो तो ईजी है, इट इज सपोज फोर, तो टेन क्यों, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर दैट इज इक्वल टू टेन, ठीक है, अभी इशू क्या है हमारा, ये हमारा मेन इंटेंशन नहीं है, हमारा मेन इंटेंशन है पूरी सीरीज ऐसे छपनी चाहिए वहां पे, मतलब मैं अगर ये जो है ना ये ऐसा का ऐसा ही मेरे को आउटपुट विंडो पे चाहिए, ऐसा का ऐसा ही आउटपुट विंडो पे चाहिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ठीक है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर, तो ये पूरी सीरीज चाहिए मुझे, तो सीरीज कैसे आएगी, मतलब मुझे खाली टेन नहीं चाहिए, मुझे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन डाल देंगे, इफ एक्स इज लेस देन एन प्रिंट एक्स कॉमा एंड इज इक्वल टू प्लस ऐसा, इफ इफ नहीं फिर एल्स एल्स इज इक्वल टू दिस, ये क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको, पहले मैं रन करके दिखाता हूं आपको, लास्ट नंबर क्या हो गया फोर, क्या आया वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर दैट इज इक्वल टू टेन, अभी क्या हो रहा है देखो, अगर अभी इस केस में जब मैंने रन किया तो एन की वैल्यू क्या डाली मैंने, एन की वैल्यू क्या डाली, फोर वैल्यू फोर, सम इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इन रेंज ऑफ वन प्लस एन प्लस वन, वन डैश वन कॉमा एन प्लस वन, सो इट इज वन कॉमा फोर, 1.4, ठीक है, यहाँ पे सम जो होगा वो तो आपको समझ में आ गया कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो सम हमें 10 मिल जाएगा, लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे बाहर आके प्रिंट हो जाएगी, अभी ये अंदर वाला क्या होगा, इफ एक्स इज लेस देन एन, तो पहले एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, ये सारे पार्ट जो है पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये फॉर लूप के अंदर है यहां तक, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या है, फॉर n इज इक्वल टू फोर, x की वैल्यू है ये n इज इक्वल टू फोर पे ये n फाइव हो जाएगा, वन कॉमा फाइव, सो वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो n इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, अभी क्या हो रहा है, इफ x इज लेस देन n, x इज लेस देन n मतलब
एक्स की वैल्यू क्या है, वन, तो क्या बोल रहा है वो कि पहले कंडीशन चेक करेगा, इफ एक्स इज लेस देन वन, मतलब एक्स की वैल्यू वन पे पूरा ये चलेगा ये, तो वन इज लेस देन एन, एन मीन्स क्या है हमारा फोर, एन इज लेस देन वन, एक्स इज लेस देन, यस, तो क्या करो प्रिंट, एक्स प्रिंट करो, एक्स क्या है हमारा वन प्रिंट करो, एंड में प्लस किया है, तो एंड में प्लस किया मतलब प्लस आ जाएगा, एल्स में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इफ सेटिस्फाई हो रहा है तो एल्स की जरूरत नहीं है। अभी वापस से लूप से बाहर होने से पहले एक बार लूप कंडीशन चेक कर लेगा कि एक्स की कोई और वैल्यू है क्या, टू वैल्यू है, तो यहाँ पे टू, वेदर टू इज लेस देन फोर, यस, सो प्रिंट एक्स, तो टू प्रिंट किया, एंड में क्या बोला हुआ है प्लस, एंड में प्लस बोला है तो प्लस आ गया, एल्स को चेक नहीं करेगा, फिर वापस चेक करेगा एक्स इज थ्री, एक्स इज थ्री, एक्स इज थ्री, फिर जो प्रिंट होगा, फिर लास्ट में क्या बोलेगा, फिर वो वापस से ये लूप वापस से इधर जाएगा, अभी क्या चेक करेगा, सॉरी एन इज फोर ना, सो फोर, सो थ्री हो गया एक्स की वैल्यू, प्रिंट एक्स, अभी क्या बोल रहा है वो, फोर इज लेस देन फोर, नहीं 4 is less than 4 नहीं है, 4 is equal to 4, तो क्या होगा 4 is equal to 4 में, ये वाला फिर प्लस नहीं आएगा, फिर वो एल्स में चला जाएगा, एल्स में भी क्या बोल रहा है वो, लेकिन आप प्रिंट एक्स ही करो, प्रिंट एक्स ही करो, ऐसा कोई दूसरी वैल्यू नहीं बोल रहा, यहाँ पे भी वो प्रिंट एक्स ही करने के लिए बोल रहा था, और यहाँ पे वही बोल रहा है, तो प्रिंट हम लोग एक्स करवा देंगे, बट उसको एंड कैसे करना है, आपने इक्वल टू से करना है, एंड कैसे करना है, इक्वल टू से करना है, ठीक है, फिर बाद में क्या बोल रहा है वो, प्रिंट सम, प्रिंट सम, तो सम क्या आया था हमारा, ये सारे वैल्यूज पुट करने पे लास्ट में सम की वैल्यू आई थी वो 10 आई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 10 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, प्लस 4 10, इट्स गुड। चलिए अभी क्या करना है, दूसरे प्रोग्राम पे जाते हैं हम लोग, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आएगा, write a program to find out the sum of series 1 raised to 2 plus 2 raised to 2 plus up to n raised to 2, मतलब ये क्या करने के लिए बोल रहा है हमें कि 1 square plus 2 square plus 3 square, मतलब अगर मैंने n 3 put किया, n की value 3 put की, अभी हम लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हैं कि write a program to find out the sum of the series of this, so 1 square plus 2 square plus 3 square क्या आएगा, n हमारा 3 है, so 1 plus 4 5 plus 9 14, ठीक है, so इस वजह से हमें करना है, बट वो सीरीज जो है वो इसमें आना चाहिए था, हम लोग पहले अपना ये सीरीज किस वे से प्रिंट हो सकता है, पहले तो हमें ये आउटपुट आना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड बाद में आउटपुट के बाद हम लोग बीच में ये कैसे लाएंगे वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देखो ये जो सीरीज हमें प्रिंट करनी है, ये वाली जो है सम ऑफ द स्क्वायर सीरीज है ये, ठीक है, कैसे करेंगे, मैं पहला वाला प्रोग्राम जो है वो प्रिंट करता हूँ मैं, कॉपी यहीं पे मैं पेस्ट करता हूँ मैं, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो प्रोग्राम है बीच का जो है वो जो हमें बीच में यहाँ पे लाना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये वाला जो LHS लाना है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग उसको समझ जाते हैं ये एक्चुअली है क्या, ये सीरीज क्या है, सो ये जो है ये इस वे से है, ये मतलब 0 प्लस 1 स्क्वायर क्या आ गया 1, सम क्या है 0, ये x की वैल्यू पहले 1 है तो 1 स्क्वायर, दिस इंडिकेट डबल स्टार मींस वो रेज टू में जाएगा, तो क्या हो गया इट इज 1, बाद में सम क्या है 1, x क्या हो गया 2, 2 स्क्वायर क्या हो गया 2, 2 या 4 प्लस 1, सम क्या हो गया 5, फिर सम 5 हो गया प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 14, तो सपोज मैंने यहाँ पे
थ्री डाला होता एन तो 14 आया होता है, यहाँ 14 मुझे मिल गया। ठीक है, तो सम का जो होगा खाली इतना ही चेंज होगा, ये अभी समझ में आ गया आप लोगों को। अभी हमें विद सीरीज प्रिंट करवानी, तो पिछले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, वो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर कर दिया, और ये जो चीज है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस प्रोग्राम में यहाँ पे हमें क्या करना है, वन स्क्वायर, स्क्वायर मतलब हमें यही चाहिए, रेज टू टू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ऐसा किया एक्स प्लस रेज टू का रेज टू टू, रेज टू टू तो नहीं आया, क्यों, क्योंकि x जो है वो हमारा इंटीजर आ जाता है यहाँ पे, और ये जो हम डबल इसमें किया तो ये स्ट्रिंग आ गया हमारा, तो स्ट्रिंग और इसका डायरेक्टली कॉन्कैटिनेशन इस वजह से नहीं कर सकते हम लोग, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसको भी एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा x को। ठीक है, इस वजह से अभी क्या हो रहा है वो पहले रन करते हैं फिर चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, थ्री डालेंगे, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 14 हम लोगों ने आंसर चेक कर लिया था कैसे आ रहा था, यहाँ पे 14 आ गया, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू थ्री पुट किया आपने, तो यहाँ पे 1 to 4 आ जाएगा, 1, 4। अभी जब x 1 हो रहा है तो क्या हो रहा है, 1 less than 3, यस, तो ये क्या है, स्ट्रिंग एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेगा। स्ट्रिंग क्यों डाला है, ताकि ये और ये भी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों कॉन्केटिनेशन तभी हो सकता है दोनों स्ट्रिंग रहेंगे, तो मैं स्ट्रिंग हटा के भी दिखाऊंगा आपको। तो स्ट्रिंग एक्स, तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्या हमारा 1, सो 1 plus raised to 2, सो 1 plus raised to 2 एंड में प्लस, तो प्लस आ गया यहाँ पे। अभी फिर क्या है, एल्स जाएगा नहीं, फिर वापस से ये क्या है, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 to 4 है, मतलब तीन वैल्यू होगी 1, 2 and 3, तो 2 आ गया, 2 आ गया मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 2, ये 2 वैल्यू हो गई, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, वो कॉन्कैटिनेट मतलब इसके साथ आ जाएगा वो, तो रेस टू 2 आ गया, प्लस ये 3 हो गया, जैसे 3 होगा तो 3 इज नॉट लेस देन 3, 3 इज नॉट लेस देन 3, 3 इज इक्वल टू 3, तो else में जाएगा, else में क्या बोल रहा है, वापस से वही करो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 raised to 2 and is equal to आ जाएगा 14। ठीक है, प्रिंट कर दो सम को, सम तो बताया मैंने कैसे आ रहा है, सम यहाँ पे 0 plus 1 square, सो 1, 1 plus 2, 4 दैट इज 5, 5 plus 9, 3 square दैट इज 9, सो 14। ठीक है, सो 9, तो दैट इज 14। सो इस वजह से आपका फिर वो रन होता है यहाँ पे लास्ट में, प्रिंट जो है जब जो भी आपके यहाँ पे सम की लास्ट वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट इस लूप से बाहर होने के बाद, ये लूप, ये लाइन वाली जो लूप है ये फॉर लूप की है, इससे बाहर होने के बाद प्रिंट सम कर दो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे तो एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं किया होता तो क्या होता, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर पॉजिटिव इंट एंड स्ट्रिंग, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इसमें इंट है, एक जो है वो स्ट्रिंग है, तो दोनों का इन दिस वे से वी कांट कॉन्केटिनेट इन दिस वे, सो इसलिए दोनों को स्ट्रिंग करके कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। अभी किया तो
आ जाएगा। अभी जिसको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है वो मुझे खाली इस प्रोग्राम के बारे में बताएगा। मैं आपको प्रोग्राम टाइप करके देता हूं, मुझे खाली चेंज बताओ। ये है फ्री, जिसको मैं पूछूंगा वही बताएगा। पहली चीज मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूं किस चीज का है। वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डैश 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 प्लस एन क्यूब। ठीक है, सो एक्सेप्ट साहिल, करण एंड सुनील, एक्सेप्ट साहिल, करण एंड सुनील, मुझे आंसर दो कि मुझे क्या करना है। वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब, इस वजह से मुझे प्रिंट करनी है यहाँ पे, मतलब ये सीरीज प्रिंट करनी है। ये जो दिखा ना आपको क्यूब, टू रेस टू पावर समथिंग ऐसा करते करते एन क्यूब, ये सीरीज प्रिंट होनी चाहिए। इधर कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे और क्या क्या चेंजेस आएंगे बताओ मेरे को। प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। एक्सेप्ट करण साहिल एंड सुनील। सर सम सम में एक्स इनटू इनटू थ्री। बोलो बोलो। यस, सम में सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स क्यूब वो टू क्या, और सर टू की जगह थ्री आएगा और रेस टू थ्री आएगा। कौन बोल रहा है? व्हिच थिंग? प्रीति। और वहाँ अभी थ्री सर, और कर दिया अभी। और ठीक है, अभी आंसर करेक्ट है कि नहीं मालूम कैसे पड़ेगा, ऐसे उसी से मालूम पड़ सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वन रेज टू पावर थ्री मतलब वन प्लस एट नाइन हो गया, प्लस ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स, प्लस सिक्सटी फोर कितना हो गया 100। ठीक है, सो दिस इज फॉर क्यूब। अभी आप लोग एक आध प्रोग्राम सम वाला भी स्टार्टिंग का पहला प्रोग्राम करोगे ना, बाकी के अपने आप आपको आ जाएगा। सेकंड वाला भी आपको आ गया है, ठीक है, थर्ड वाला सेकंड आ जाएगा, थर्ड अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ है नहीं उसमें। एक प्रोग्राम और लेते हैं एंड वी विल वाइंड अप। ठीक है, कॉपी क्या बोला हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ इन एपी सीरीज। एपी सीरीज मतलब क्या होता है कि आप ऐसा सीरीज प्रिंट करो जिसमें कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप 4 माइनस 2 करोगे तो 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 6 माइनस 4 करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 10 माइनस 8 करोगे तो 2 आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन, ऐसी सीरीज प्रिंट होनी चाहिए जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू नंबर कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज रिमेन सेम, दैट इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज एपी सीरीज। वो सीरीज कोई भी हो सकती है, मैंने एक एग्जांपल दिया 2 4 6 8 का, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 1 4 7
10, 13, 16, anything like this. So इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तीन तीन का डिफरेंस है. सो दिस इज ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको. आपको पहला नंबर बताना है उनको. तो ये नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है. बाद में उसको डिफरेंस बताना है. ये बता दिया तो क्या करेगा? पहला नंबर लेगा, उसका डिफरेंस मतलब वो उसमें ऐड करेगा इसमें. तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? फोर. फिर उसको मालूम है कि ये नेक्स्ट इसमें ऐड करना है, तो फिर सेवन, ठीक है. तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये कैसे आ रहा है? तो नेक्स्ट जो है ये ए प्लस डी किया हमने. सो ए प्लस डी क्या हो जाता है? ये नेक्स्ट नंबर हो जाता है. नेक्स्ट नंबर मतलब आप ए ही ले लो. सो ए इज इक्वल टू ए प्लस डी अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है देखते हैं. हम लोगों ने हमने क्या किया? ए को डिक्लेयर कर दिया. क्या डिक्लेयर किया? कोई पहला नंबर. ए इज योर फर्स्ट नंबर. सपोज आपने ए को वन डिक्लेयर किया, मैं ऐसा बता रहा हूं, आप टू भी ले सकते हो. और डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव नंबर का, मुझे क्या चाहिए? थ्री चाहिए. तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए. हमारा क्या हो गया? फोर. लूप के अंदर डाल देंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है. तो ये फोर हो गया. तो ए की वैल्यू फोर हो गई. फिर क्या होगा? वापस से लूप की जब सेकंड एक्स फॉर एक्स इन रेंज ऑफ समथिंग ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? ये फिर ये फोर हो जाएगा और ये डिफरेंस जो है सेवन हो जाएगा. थ्री, सॉरी, डिफरेंस जो है थ्री है तो क्या हो जाएगा? ए सेवन हो जाएगा. सेवन हम क्या करेंगे? फिर ए को प्रिंट करवा देंगे हमेशा. तो ए जब हमारा सेवन हो गया, अभी क्या हो रहा है? लूप में फिर से जाएगा वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए. ए की वैल्यू सेवन है और डिफरेंस हमारा थ्री है तो क्या हो जाएगा? टेन. प्रिंट करना है हमें ए को. तो लूप में ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे और प्रिंट में ए कर देंगे. तो हर बार हमारा क्या होगा? ये प्रिंट होता जाएगा. सो द फॉर्मूला विल बी नथिंग बट ए इज इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है. खाली एक छोटा सा चेंज करना है हमें. इसमें एक और चीज ऐड करनी है. वो ऐड ये करना पड़ेगा हमें कि कहाँ तक लेके जाना है आपको, मतलब कितना नंबर चाहिए आपको. सो सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आपको टेंथ नंबर तक चाहिए. तो ये 10 बार उसमें ऐड करेगा एंड बाद में वो फिर छोड़ देगा वो ऐसा, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे जब लूप में लेंगे? तो लास्ट नंबर क्या है आपका? लास्ट जो सीरीज है वो क्या है? वो डालनी पड़ेगी आपको. जो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो वो आप एज ए एन ले लो उसको, ठीक है. तो ये करने से लास्ट कहाँ तक वो चाहिए वो आ जाएगा उसके अंदर सीरीज में. इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना. तो हम लोग लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो क्या ये a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू इंटर डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है. अभी एन क्या करेंगे? एंटर एंथ नंबर, कहां तक लेके जाने का है उसको, ठीक है. ये हो गया फॉर एक्स इन रेंज 1, 2, n+1. For x in range 1, 2, n+1, क्या हो जाएगा? Print, write a program to find out the sum of in AP series. Print क्या करेंगे? A, ठीक है. Print is equal to A is equal to A. For x in range 1, 2, n+1, print a end a is equal to a plus d. करके देखते हैं क्या आता है. First number 1 डाला, difference 3 डाला, nth number suppose 4 डाला. तो क्या आ रहा है ये? 1, 4, 7, 10. इधर थोड़ा सा gap ले लेंगे, ठीक है. अभी क्या आ रहा है?
ओके थ्री फोर, तो 1 4 7 10 हमें सीरीज प्रिंट करनी है, खाली सम नहीं करने का, उसका कुछ भी नहीं करना है हमें, खाली सीरीज प्रिंट करनी है। सो एनीबॉडी विल सी एंड अंडरस्टैंड इट्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज हर दो कंसेक्यूटिव के नंबर का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, 4 माइनस 1 यहाँ का डिफरेंस 3 हुआ, 7 माइनस 4 यहाँ का डिफरेंस 3 हुआ, 10 माइनस 7 यहाँ का डिफरेंस 3 हुआ। ठीक है, वैसे आगे आपको जाना है तो और लंबा ले सकते हो। फर्स्ट नंबर आप सपोज 2 ले लो, डिफरेंस आपको 2 लेना है, तो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में और ये 10 कर दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, एपी सीरीज है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस सर। ठीक है, अभी इशू क्या है कि इस स्पीड से अगर हम लोग जाएंगे ना तो कोई भी हम लोग का जो होगा सिलेबस बहुत लंबा जाएगा, अगले साल कंप्लीट होगा, फिर सारे प्रोग्राम तो पॉसिबल नहीं है। एक फैक्टोरियल वाला मैं आपको करके दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम, या इसमें से एक आध और कोई करवा लूंगा, दो प्रोग्राम कोई भी कर लूंगा। हाँ, मैं ये करूंगा कि मेरे पास करके रखूंगा और मैं आपको इसके स्नैपशॉट भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, या तो जो हमारा गूगल क्लासरूम का है उस पर अपलोड कर दूंगा इसके सोल्यूशन, लेकिन नेक्स्ट टाइम लेने के बाद कोई भी दो प्रोग्राम इसमें से लेके और मैं कर दूंगा, एंड नेक्स्ट टाइम ये दो प्रोग्राम और फिर आगे के टास्क शीट वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 या 3 टास्क शीट बचे हुए हैं, मे बी सैटरडे संडे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसको। आर यू गेटिंग दिस? हेलो, मैं क्या करता हूँ ये सॉरी इसको मैं स्नैप में आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, इफ इट इज यूजफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।